यूपी के कई जिलों में इन दिनों हुई हिंसा और पथराव की घटना को लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचवान का बयान सामने आया है। जालौन के उरई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का उद्घाटन करने कैबिनेट मंत्री राकेश सचवान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी यूपी में माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अमन चैन और कानून व्यवस्था कायम रहे। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग हैं, जिसमें हम लोगों के पास अनेक स्कीमें हैं, हथकरघा में भी हैं, खादी में भी हैं और एमएसएमई में भी हैं। इसके तहत हम लोग लोन देते हैं, ऋण देते हैं। जो भी नौजवान पढ़ा लिखा है, अगर बेरोजगार है वो रोजगार लगाना चाहता है, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में स्कीम है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में स्कीम है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का लोन हम लोग अभी तक देते थे।